में शनिवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा आप व जननायक जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी पंडित नवीन जय हिंद ने महापुरुषों के चरणों में पुष्प अर्पित किए। पंडित नवीन जय हिंद ने पलवल में ताऊ देवीलाल पार्क में ताऊ देवीलाल मीनार गेट पर महाराजा अग्रसेन, सोहना मोड़ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होटल में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम जी व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर अपना चुनावी प्रचार समाप्त किया। पंडित नवीन जय हिंद ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से शहीद व महापुरुषों की प्रतिमाओं पर फूल मालाएं व पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया है और यह जरूरी भी है। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, इसलिए लोगों के बीच में आना अच्छा है। इसका उद्देश्य है कि हम तो सिर्फ लोगों की सेवा के साथ साथ काम करना चाहते हैं, सेवा के माध्यम से ही लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। आज पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में महापुरुषों की शहीदों की प्रतिमाओं पे पुष्प अर्पित किए हैं, उन सब से आशीर्वाद लिया। भगवान अग्रसेन जी, भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर और महाराणा प्रताप, देवीलाल हर जगह गए हैं और मुझे लगता है कि महापुरुषों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। चुनाव प्रचार खत्म हो गया था तो लोगों के बीच में एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि हम तो उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं और इस सेवा के माध्यम से ही लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। और ये बात जरूर है कि भाई अब की बार चौकीदार का खुट्टा पाड़ेंगे फरीदाबाद में, जब तक खुट्टा गाड़े रहेंगे जब तक चौकीदार का खुट्टा नहीं पाटता है, खुट्टा उखाड़ के ही उठेंगे, इससे पहले नहीं जाते।